उदय स्टालिन को कोई चार जूते मार दे तो मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा जो कुछ जीवन में कमाया हो उसको। स्वामी प्रसाद मौर्य को गंजा करके कोई गधे में बैठा के घुमा दे तो मैं तो उसकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। हिंदुओं का रक्त अभी कम उबाल ले रहा है, आंच कम लग रही है, जैसे जैसे आंच बढ़ेगी ये रक्त उबलेगा और जिस दिन उबलेगा तो सबके खून ठंडे पड़ जाएंगे, आप देख लेना उस समय आएगा। सर अरविंद केजरीवाल को लेकर आपका क्या बयान है? अरविंद केजरीवाल जी अंग्रेजों के प्रक्रिया के अनुसार अपना शासन चला रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। लगता है सर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है तो अच्छा काम कर रहे हैं, कहते हैं कट्टर ईमानदार है, वो कट्टर ईमानदार है तो साबित करें, बेईमान तो वो साबित हो गए। सर जैसे वो महिलाओं के लिए बस फ्री देते हैं, बिजली नहीं, फ्री है, फ्री देना कौन सी ईमानदारी है जी? फ्री देना कौन सी ईमानदारी है? ईमानदारी है कि आपके ऊपर चोरी का एक भी ब्लेम ना लगा हो। मोदी जी का 9 साल का टाइम हो गया, 10वां साल चालू हो गया और एक भी उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। आज जिसने ब्लेम लगाया उस राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में खड़े करके जूते मारा और वहां माफी मांग के आया जी। आप आरोप की बात नहीं, आपके आरोप सिद्ध हो गए। नहीं, आपके जैन साहब जो हैं इनके हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उन्होंने क्या किया था, क्यों इतने दिनों तक जेल में रहे, अभी जमानत पर है। सिसोदिया भाई जो कट्टर ईमानदार के पिताजी थे जी, उनसे ईमानदार भारतवर्ष में कोई पैदा नहीं हुआ था, वो अभी भी जेल में जी सर। जो देश की और देश के राजधानी की जी, जो भारत का हृदय है दिल्ली, उस जगह को ठीक करने आए थे, वो एक के साथ एक पौवा फ्री दे रहे हैं, तो ऐसे में समाज सुधरेगा? कौन सी वो आबकारी नीति थी जी, जिसके की रेट हो गए 4 गुना और फिर भी आप ये कह रहे हो कि आप एक के साथ एक फ्री बांट रहे हो? आपने सारा टैक्स जो सरकार को 200-250 रुपए मिलता था वो खत्म करके एक आदमी के जेब में डाला और उससे अपना हिस्सा लेके पंजाब का चुनाव लड़ लिया, जीत भी गए, लेकिन ओवरऑल कौन हारा? यूथ हारा, जिसको अपने गलत आचरण सिखाए, दारू पीना सिखाया, आप ड्राई डे इतने सारे होते थे आपने उनको खत्म किया, क्यों? ये कौन सी आबकारी नहीं थे कि ड्राई डे खत्म कर दो? वो तो 2 अक्टूबर को भी खत्म कर देते ड्राई डे, महात्मा गांधी का जिस दिन हो उस दिन जरूर पियो। तो जो चीज आपने किया है आप उसमें अगर आप अपने आप को ईमानदार समझते हो तो समझो, हमारा उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हमारा एक चीज में है, मौलवी मस्जिद की सेवा करते हैं, ब्राह्मण पुजारी जो है मंदिर की सेवा करते हैं। मुझे आप बताएं कि ब्राह्मणों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप मौलवियों को 45,000 रुपए देते हो, 47,000 देते हो, उनके तीमारदार जो पोछा लगाते हैं मस्जिद में उनको आप देते हो 25,000-27,000, तो इन ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे बस इतनी सी बात बता दो। हम आपके विरोधी नहीं है, विरोध करना राजनीतिक पार्टियों का काम है, हमारा नहीं है। आपने कुछ गलत किया है तो पब्लिक के सामने आएगा, पब्लिक आपको उसकी सजा भी देगी टाइम आने पर, लेकिन आज आप सबके मुख्यमंत्री हो और जब सबके मुख्यमंत्री हो तो आपका एक दायित्व बनता है कि सबके लिए समान रूप से रहो। उन ग्रंथियों ने क्या बिगाड़ा है? पादरियों ने क्या बिगाड़ा है? चर्च के बौद्धों के भिक्षुओं ने क्या बिगाड़ा है? उनको क्या पैसे नहीं चाहिए होते हैं खर्चा के लिए? आप क्यों किसी एक मजहब के खास लोगों को ही अपना सब कुछ मान रहे हो? और क्या आप अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं? ये तो क्या दोबारा से अपने बच्चों की झूठी कसम भी खा के कह सकते हैं कि इनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? अगर दिया है तो हिंदू मंदिरों का भी वही सम्मान हो। मस्जिद की अगर बिजली आप फ्री दे रहे हो तो मंदिरों में भी दे दो, मंदिर के पैसे फ्री में नहीं आते, 54-54 गिन के उससे ब्राह्मणों का पारिश्रमिक, सफाई व्यवस्था, मेंटेनेंस, बिजली का बिल जब निकालने जाओ तो पता लगता है कि कितनी तकलीफ होती है। आप उन ब्राह्मणों को कोविड काल में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, बाहर से ताला लगा दिया कि अंदर कोई नहीं जाएगा, जो 2-4 भक्त आते थे वो भी आने बंद हो गए। कौन है ऐसा हराम ज्यादा जिसने आके मंदिर में पूछा हो कि बताओ आपने रोटी खाई है कि नहीं खाई है?
ब्राह्मणों को आपने प्रयास किया था कि किसी तरह जो अगर कोविड से नहीं मरेंगे तो साले भूखे मर जाएंगे, वो तो अपने भाग्य से बच गए। तो केजरीवाल से हमें केवल इतनी शिकायत है, बाकी पॉलिटिकल जो शिकायतें हैं वो पॉलिटिकल लोग करेंगे। हमारी शिकायत यह है कि आप हमारी तनख्वाह जो हमारा पारिश्रमिक कुछ इस समझते हो ब्राह्मणों का, आप वो हमें भी दो, हमारे भी आप राजा हो, और राजा का प्रजा पर समान दृष्टि होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया होता है मुख शरीर का, तो उसमें भोजन आप डालते हो तो क्या अपने अंदर रख लेता है सारा भोजन? नहीं, वो अंदर जाने देता है, फिर पूरे शरीर में वो भोजन के ताकत को डिवाइड करके सभी अंगों को समान रूप से पुष्ट करता है। यही आपका भी दायित्व है केजरीवाल जी, अपने दायित्व को समझिए, उसका निर्वहन करिए। यही आपका धर्म भी है, जो कुर्सी में बैठा है उसका कुर्सी का सम्मान करना चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठ के भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते क्योंकि आपको लगता है कि राजनीति कर रहे हो आप, लेकिन धर्म नीति इसे बहुत ही घृणित मानती है, और मैं बहुत ज्यादा घृणित मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य।